जय हिंद साथियों, आरपीसीए ने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक और कुछ दो तीन अदर सब्जेक्ट की आंसर की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। आप सभी लोग इसे डाउनलोड करके अपने मार्क्स काउंट कर सकते हैं। यह आरपीसीए की ऑफिशियल आंसर की है जो कि प्रोविजनल आंसर की है। इस आंसर की से आप अपने मार्क्स काउंट करके अगर आपको इसमें लगता है कि कुछ आंसर्स आरपीसीए ने गलत दिए हैं, डेफिनेटली उसमें संभावना है कि आरपीसीए ने कुछ आंसर्स गलत दिए होंगे, तो आप उसको ऑथेंटिक पुस्तकों का प्रमाण लगा करके अपने ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आरपीएससी ने 26 से 28 जून की रात्रि 12 बजे तक का समय आपको दिया है, तो इस दौरान आप अपने मार्क्स काउंट करके जो आंसर आपको गलत लगते हैं कि मैं उनका ऑथेंटिक जो प्रमाणिक सोर्सेज हैं उनसे आंसर ढूंढ करके आप अपना ऑब्जेक्शन लगा दें। मैं भी प्रयास करूंगा इतिहास विषय में जो आंसर अगर कुछ डाउट मेरे को लगते हैं तो उसके प्रमाणिक सोर्स आपको अवेलेबल करवा सकूँ, ताकि उसके बेसिस पे आप अपने ऑब्जेक्शन लगा सकें। और साथियों, आरपीएससी ने इस बार ज़्यादा इंतजार हमें नहीं करवाया है आंसर की के लिए। जनरली हम देखते हैं आरपीएससी एग्जाम के बाद काफ़ी लंबा समय लेती है आंसर की जारी करने के लिए, लेकिन आरपीएससी ने काफ़ी जल्दी 2 या 3 जून को सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम कंप्लीट हुए थे, और जून माह में आरपीएससी ने आज 5-6 सब्जेक्ट की आंसर की डाल दी है। जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनके आंसर की भी आपको जल्द देखने को मिलेगी, शायद अगले वीक में या इसी वीकेंड तक भी देखने को मिल सकती है आपको। और इसके अलावा मार्च में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हुए थे हिंदी और जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनकी आंसर की आरपीएससी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है, और पूरी संभावना है कि जून में फर्स्ट या सेकंड वीक तक जो मार्च वाले एग्जाम है आरपीएससी के उनके रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाए। इसके साथ ही आप अपने मार्क्स काउंट कर लीजिए इस आंसर की से, और अपने जिससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने मार्क्स तीनों पेपर में मिलकर बन रहे हैं, और उसके बाद आप एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स इंटरव्यू में लगभग जरूरत पड़ेगी, या आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं या मार्क्स आपके कम हैं। ये सारा आइडिया आपको आरपीएससी के ऑफिशियल की से लग जाएगा। थैंक यू।